सैनी हत्याकांड पर बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है, अपराधियों को बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सैनी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति भी अब गर्मा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख के पिता की जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, घर में घुसकर उन्हें मार दिया गया, उसके बाद से अब लगातार बयानबाजी भी हो रही। दूसरी तरफ अगर कार्रवाई को लेकर बात करें, अब तक 4 लोग हिरासत में आ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार हमलावर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कहा तेजस्वी यादव ने। जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया, और दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है, और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है, और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे। और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है,